Konnichiwa. So what is up, it's your boy Pink Pussy 69 is back with another video. Oh fuck, ye mera script nahi hai. Yo anime lovers, this is a sasta collab with two mehenge YouTubers, RVS and Rufai. Okay. और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक थ्योरी को तीन पार्ट में डिवाइड करके तीनों के चैनल में एक एक पार्ट डालेंगे, जिससे सब्सक्राइबर्स माइग्रेट होंगे. एंड ये वाला वीडियो पार्ट टू है. अगर पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जल्दी आरवीएस सर के चैनल में, उन्होंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है कल, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दिया जिसमें सारे पार्ट सीक्वेंस में एडेड है, तो तुम वहां से भी सीक्वेंस में सारे पार्ट्स देख सकते हो. सारे मतलब अभी तो दो ही आए हैं, कल तीसरा आएगा, तो जब तीसरा आ जाएगा मैं उसमें उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा उसको भी, ठीक है. तो फिर जल्दी जाओ और पार्ट वन देख के आओ, और अगर पार्ट वन देख रखा है तो ये मेरे इस वीडियो को देखो आगे की थ्योरी जानने के लिए. और तड़पो मत यार, प्लीज. मैं मुझसे रहा नहीं जाता तुमको, मतलब मैं तुमको देख नहीं सकता तड़पते हुए. बजा रहा हूँ, रुको. बजा रहा इंट्रो, लेट्स बिगिन. आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोगों ने अभी तक पार्ट वन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक और बार बोल रहा हूँ, देख के आओ, ठीक है, उसके बाद ये वाला चालू करो. तो पार्ट वन के एंड में आरवीएस ने बोला था कि वन पीस एक ट्रेजर है ही नहीं, और वन पीस को रॉजर ने कभी खोजा ही नहीं था, और वन पीस लाफ्टेल में नहीं है. लेकिन हियर इज द थिंग, लाफ्टेल में कुछ तो ऐसा है जिसको देख के रॉजर हंसा था. मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बोला था कि वन पीस एक टुकड़ा है इन्फॉर्मेशन का, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लाफ्टेल में इन्फॉर्मेशन है बट वो इन्फॉर्मेशन वन पीस नहीं है, तो चलो याद करते कि व्हाइटबेर्ड के लास्ट वर्ड्स क्या थे. व्हाइटबेर्ड ने टीच को बोला था कि टीच तू नहीं है वो जिसका रॉजर वेट कर रहा है. बट हियर इज द थिंग, अपने को आज तक कभी ब्लैकबियर्ड उर्फ टीच ने लॉफ्टेल जाने में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है. टीच को करने का वर्ल्ड पे राज, अभी तक उसने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट वन पीस में नहीं दिखाया है. तो फिर व्हाइटबेर्ड ने ऐसा क्यों बोला कि रॉजर जिसके लिए वेट कर रहा है वो तू नहीं है, निकम्मे टीच. व्हाइटबेर्ड ने फिर बोला था कि जब उस ग्रेट ट्रेजर को कोई खोज लेगा तब वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को डर है कि उस ट्रेजर के ढूंढने के बाद एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाएगा. लेकिन कभी सोचा कि क्या हो अगर व्हाइटबेर्ड यहाँ पे वन पीस को ट्रेजर नहीं बोल रहा था लेकिन किसी और चीज़ को ट्रेजर बोल रहा था. ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ ट्रेजर. लेकिन कभी व्हाइटबेर्ड ने बोला कि एक दिन कोई वन पीस ट्रेजर को खोज निकालेगा? नहीं. अच्छा, रॉजर जब लॉफ्टेल पहुंचा था उसका नरेशन ओडन ने कैसे किया था याद करो. ओडन ने बोला था कि लास्ट आइलैंड पहुंच के रॉजर और हमने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर को देखा. रॉजर उसको देख के हंसने लगा था. बट यहाँ पे भी कभी वन पीस ट्रेजर बोला गया था? और अगर बात करें अपन रेलिक की, तो रेलिक ने भी कभी बोला कि उन्होंने वन पीस ट्रेजर ढूंढा था? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसने ये बोला था कि उसको और पूरे रॉजर पायरेट्स को वर्ल्ड के बारे में सब चीज़ पता चल गया था. लेकिन क्या कभी उसने बोला कि उन लोगों ने वन पीस ट्रेजर ढूंढ निकाला था? नहीं, कभी नहीं. मैं ये सब बता के ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी एक कैरेक्टर ने भी आज तक नहीं बोला कि वन पीस को रॉजर ने खोजा था. एंड मैं ऑब्वियसली उन कैरेक्टर्स की बात कर रहा जो रॉजर के साथ थे और जिनको वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है, मतलब खुद रॉजर, व्हाइटबेर्ड, रॉजर पायरेट्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट. लेकिन व्हाइटबेर्ड के लास्ट वर्ड्स का लास्ट लाइन क्या था याद करो, मतलब मुझे याद कराने की जरूरत है, तुमको याद होगा ही, वन पीस इज रियल और वन पीस डज एग्जिस्ट. ऐसा क्यों बोला व्हाइटबेर्ड ने? क्योंकि वन पीस रियल है. लेकिन हमारे थंबनेल में तो वन पीस इज नॉट रियल लिखा है. डज दैट मीन वी आर डूइंग अ क्लिकबेट? नहीं, वी आर नॉट डूइंग अ फकिंग क्लिकबेट. हम लोग क्लिकबेट नहीं कर रहे, सब चीज़ समझ आएगा. वन पीस रियल है लेकिन अभी के टाइम पे वन पीस बना ही नहीं है. ये लाइन समझने से पहले मैं तुमको ये बताता हूँ कि लॉफ्टेल में कौन सा ट्रेजर है. लॉफ्टेल में ट्रेजर तो है, पक्का है, क्योंकि भाई ओडन ने बोला था और रॉजर हंसा था. रॉजर हंसा था यार, ओडन ने खुद कन्फर्म किया था. तो हमारे इस थ्योरी के हिसाब से लॉफ्टेल में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और मोस्ट लाइकली लॉफ्टेल में फिफ्थ रोड पोनेग्लिफ है. मेरे ऐसा बोलने का रीज़न वर्ल्ड गवर्नमेंट का लोगो है. तुमने देखा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगो में चार डॉट्स है और वो चारों डॉट्स मिडिल में एक डॉट से कनेक्टेड है. दिस कैन बी अ फोर शैडोइंग कि चार डॉट्स मतलब चार रोड पोनेग्लिफ्स, और जैसे चार रोड पोनेग्लिफ्स ले जाते हैं लॉफ्टेल में, वर्ल्ड गवर्नमेंट का लोगो भी ऐसा ही दिखता है, चार डॉट्स एक मिडिल में डॉट से कनेक्ट होते हुए. कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो. तो मे बी जो बीच वाला डॉट है
वो रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ रोड पोनेग्लिफ को, जो कि लास्ट आइलैंड ए के ए लॉफ टेल में है, जिसको रॉजर ने रीड किया था, मोर लाइक ओडेन ने रीड किया था और उसने रॉजर को सुनाया था, और उसी को रीड करके सारे रॉजर पायरेट्स को सब चीज़ पता चल गया था। एंशिएंट वेपन्स, वॉइड सेंचुरी एंड विल ऑफ डिक, ये चीज़ खुद ओडेन ने भी बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर एंड ऑल शिट। ये मैं कितने बार भूलूंगा यार। और मे बी उस फिफ्थ रोड पुनग्लिफ में एक और चीज़ लिखा है, लिखा था, लिखा है, अभी भी लिखा है, दैट इज हाउ टू मेक वन पीस। व्हाट, क्या बोला तू? हाउ टू मेक वन पीस, वन पीस को कैसे बनाए? अरे क्या बोल रहा है ब्रो? रुको। अब उस चीज को देख के रॉजर क्यों हंसा, वन पीस एक्चुअली में क्या है, और हमने ऐसा क्यों बोला कि हाउ टू मेक वन पीस, ये सब जानने के लिए तुमको देखना होगा पार्ट 3 ऑफ दिस थ्योरी एंड दिस सस्ता कोलैब विथ महंगे यूट्यूबर्स रूफी एंड टीवीएस। कल आएगा थर्ड पार्ट, जो कि तुमको मिलेगा रूफी कुन के चैनल में कल 10 बजे। अगर वो लेट नहीं किया तो वो आलसी है, इसलिए हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ही विल ट्राई हिज बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों रूफी एंड आरवीएस के चैनल का लिंक दे दिया है, और प्लेलिस्ट का भी, जैसे मैंने बताया था, उसमें तीनों पार्ट्स। कल जैसे ही थर्ड पार्ट अपलोड होगा, मैं उसमें थर्ड पार्ट भी ऐड कर दूंगा, तो तुम सीक्वेंस में उसको देख सकते हो। और थर्ड पार्ट यार, कंक्लूजन इस थ्योरी का, और तुम्हारा माइंड फक होने वाला है, तो भाई बस वेट करो कल। भाई स्वाद आना है तुमको। अगर तुमको आगे की थोड़ी जानना है तो जाओ रूफी कुन के चैनल में कल का वेट करो। ठीक है भाई, प्लीज का बाबा कहीं से फोन, अरे मैं ना रो।